नमस्कार, मैं सुहानी जैन लुकवानी में आपका स्वागत करती हूँ। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बालेसरिया के ग्राम पायरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अनुराधा टेलर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक भीलवाड़ा के समक्ष स्टे ऑर्डर लेकर उपस्थित हुई, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी बंसीलाल कीड़ ने लेने से मना करने पर व्यथित होकर महिला शिक्षिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक द्वारा जारी आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्त आदेश के तहत अनुराधा टेलर को आवासीय विद्यालय आटून भीलवाड़ा में प्रतिनियुक्ति कर दी गई। टेलर का कहना है कि बिना साक्षात्कार प्रतिनियुक्ति करने से व्यथित होकर माननीय न्यायालय सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ जोधपुर में अपनी परिवेदना याचिका दर्ज करवाई। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विवादग्रस्त आदेश पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। स्टे ऑर्डर की पालना में ज्वाइन करने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनेड़ा रामेश्वर लाल बाल्दी के समक्ष स्टे ऑर्डर सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। CBEO बनेड़ा ने 2 अक्टूबर को PEO बालेसरिया को अनुराधा टेलर को कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश जारी किया। जब महिला शिक्षिका कार्यभार करने के लिए गई तो PEO बालेसरिया मोहनलाल कोहली और वहां के वरिष्ठ लिपिक शैलेंद्र शर्मा ने नहीं तो कार्यभार ग्रहण कराया और ना ही स्टे ऑर्डर की कॉपी प्राप्त की और धमकाया कि इस तरह के स्टे ऑर्डर बहुत देखे हैं, हमेशा आते रहते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाओ। मजबूरन महिला शिक्षिका को बिना ज्वाइनिंग दिए वापस लौटना पड़ा। 3 अक्टूबर का अवकाश होने से 4 अक्टूबर को जब महिला शिक्षिका जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा के दफ्तर पहुंची, जॉब नहीं करवाने की अपनी वेदना सुनाई और स्टे ऑर्डर सहित ज्वाइन करने का प्रार्थना पत्र और PEO बालेसरिया द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करवाकर प्रताड़ित करने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी बंसीलाल की ने सुनवाई नहीं करते हुए महिला को कहा कि आप यहां से बाहर निकल जाओ, मेरे यहां से कुछ नहीं होगा। जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान देकर महिला शिक्षिका को कार्यालय से बाहर निकाल दिया, जिससे व्यथित होकर महिला शिक्षिका ने स्टे ऑर्डर की कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर चस्पा दी और धरने पर बैठ गई। अब इंतजार है कि जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पंचायत, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बालेसरिया और बालेसरिया की वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं, जिससे कि महिला कर्मचारी को राहत मिल सके। मैं अनुराधा टेलर और मुझे 20 तारीख ने हमारे PO साहब श्री मोहनलाल जी कोहली ने जबरदस्ती कार्यमुक्त कर दिया स्थानीय विद्यालय UPS पायरा से। मैंने इसके विरुद्ध जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर अपील दर्ज करवाई और मुझे 29 तारीख को स्टे मिल गया। स्टे लेकर के मैं 30 तारीख को बालेसरिया स्कूल, हमारा PO नोडल क्षेत्र गई, वहां पर भी मुझे उन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया और कहा कि DO साहब से लिखवा के लेके आइए इस पे ज्वाइनिंग का। यहां पर जब मैं DO साहब के पास लेके आई बंसीलाल जी कीर साहब के पास, तो इन्होंने मेरी मेरा स्टे ऑर्डर और मेरे जो प्रार्थना पत्र है ज्वाइनिंग के लिए उसको लेने तक से इनकार कर दिया और मेरे ऊपर और उल्टे सुलटे आरोप लगाने की ये तो लड़ाकू महिला है और इस तरीके से ये इनकी मनमानी का प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कि मुझे किस तरीके से ये नौकरी से, मैं एकल महिला हूँ और घर बैठ करके मेरा घर का भरण पोषण करने तक की मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो रही है और ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे यहाँ से भी फिर मुझे कह दिया कि आप जाओ जहाँ जिनको कहना, मीडिया हमारे कोई कहीं नहीं लगता है और हम आपकी किसी चीज़ से वो नहीं है, आपको ज्वाइन आपके PO जो है श्री मोहनलाल जी कोड़ी वही करवाएंगे, हमारा यहाँ का कोई काम नहीं है। और जब इनसे परसों बात हुई थी तब इन्होंने कहा कि ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनकी क्या मिली भगत है या मेरे से इनकी क्या ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी है कि ये मुझे इधर से उधर भटका रहे हैं। मैं एक एकल महिला हूँ और अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और हाई कोर्ट का जो आदेश है मेरे पास उसको भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, हमारा काम नहीं है यहाँ पे आपको ज्वाइन करवाने का, आपके PO जाने और आप जानो। जबकि ये उच्च अधिकारी ये चाहें तो उनको आदेश दे सकते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने साफ अपना पल्ला झाड़ करके और मुझे मजबूरन, अगर यही स्थिति रही, मैं 21 तारीख से घर बैठी हुई हूँ और अगर इनकी ये स्थिति रही तो मैं आत्मदाह करने के लिए मुझे ये व्यक्ति मुझे उत्साहित कर रहे हैं एक तरीके से। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुझे इसके अलावा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है और मैं सुबह से धरने पर बैठे हूँ तो मुझे कह रहे हैं कि अंदर की मैं इनसे बहस करूँ। मैंने इनसे किसी प्रकार की बहस नहीं की, मैंने सिर्फ इनसे निवेदन किया है कि सर मुझे आज ज्वाइन करवा दीजिए, मेरा 29 तारीख का स्टे ऑर्डर लेके आई हूँ मैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन सब की मिली भगत है, मुझे सिर्फ न्याय की
अभेष है जो आप लोग मुझे दिलवा सकते हैं। धन्यवाद। हरी सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में मंगलवार को आश्रम में चल रहे शारदीय नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन के सानिध्य में महानवरात्रि अनुष्ठान संपन्न हुआ। नित्य प्रति प्रातः मंडल पूजन अभिषेक एवं हवन पूजन किया गया। दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में प्रातः मंडल पूजन अभिषेक व माँ दुर्गा की विशेष आहुतियों से दुर्गा हवन यज्ञ पूजन पंडित सत्यनारायण शर्मा पंडित मनमोहन शर्मा दो ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। महानवमी पर्व पर नवचंडी महायज्ञ की पूर्ण आहुति की गई एवं माँ दुर्गा की महाआरती के साथ नवरात्रि अनुष्ठान को संपन्न किया गया। इसके पश्चात कन्या भोजन व ब्राह्मण भोज किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी ने बताया कि नवरात्रि पर माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती है और भक्तों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके अलावा नवरात्रि पर घर माँ दुर्गा की पूजा करने से घर से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। स्वामी के साथ आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, सिद्धार्थ, कुणाल, मिहिर, सचिव, हेवंत वच्छानी एवं अन्य भक्त उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहर के हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के अंदर 9 दिन तक विभिन्न आयोजन यहाँ पर हुए और आज महानवमी के अवसर पर यहाँ पर हवन करके और जो 9 दिन का अनुष्ठान है उनकी यहाँ पर पूर्णावती की जा रही। अभी हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर स्वामी श्री हंस राम जी उदासीन, इनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार 9 दिन यहाँ आयोजन हुए और आज का यहाँ विशेष क्या आयोजन है। हरिओम। श्राद्ध नवरात्रि आज महानवमी पर्व हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में ही नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन पूजा प्रतिष्ठा मंडल पूजन अभिषेक हवन यज्ञ होते हैं और साथ ही इस बार श्री पूजा भी 9 दिन से चल रही है और आज महानवरात्रि पर्व पर महाकन्या भोज महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है जिसकी दुर्गा अष्टमी की कल पूर्णावतियाँ हुई, आज महानवमी की पूर्णावतियाँ हुई है। महानवरात्रि पर्व सनातन संस्कृति का एक महान पर्व है। ये महानवरात्रि पर्व हर स्थान में लगभग पूरे विश्व में मनाते हैं और समस्त सनातन धर्मी इसका उत्सव को मनाते हैं अपने अपने प्रकार से, पर आज ये नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है पूरे सनातन संस्कृति और हमारी सिंधु सभ्यता की रक्षा के लिए और जो सनातन धर्म हमारा है पूरे विश्व में आज ये महानवरात्रि पर्व पर अपना परचम फैला रहा है। हम धराधाम पर यही कामना करते हैं कि महानवरात्रि पर्व पर कि विश्व में हाँ अमन चैन मंगल कामना हो और भारत और भारत में भी सर्व प्रकार से मंगल कामना की कामना करते हुए हम लोग महानवरात्रि पर्व का अनुष्ठान करते हैं। हरिओम। बिल्कुल। तो ये थे श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री हंसराम जी उदासीन, जिन्होंने बताया कि विश्व शांति की कामना के साथ ही 9 दिन तक यहाँ पर विभिन्न आयोजन हुए और आज महानवमी के अवसर पर हवन के साथ ही जो धार्मिक अनुष्ठान थे आज उनकी यहाँ पर पूर्णावती हो रही है। लोकवाणी के लिए मैं बिरड़ा से प्रहलाद तेली। कृष्णा हॉस्पिटल ने लापरवाही के चलते मरीज की मौत होने के बाद को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। डॉक्टर कैलाश काबरा ने हमारे लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली को बताया कि रोगी देवलाल रेगर पुत्र गोकुल रेगर निवासी तसवारिया 25 अगस्त को गंभीर पेट दर्द होने पर कृष्णा हॉस्पिटल में आया था। सोनोग्राफी करने पर अपेंडिक्स की शिकायत पाई गई, तत्पश्चात ऑपरेशन की सलाह दी गई एवं मरीज को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान खराब अपेंडिक्स के साथ साथ आंतों में चिपकना पाया गया जिसकी पूर्ण जानकारी ऑपरेशन के समय मरीज के रिश्तेदारों को बुलाकर अवगत करा दिया गया था। ऑपरेशन के पश्चात मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ अर्जित करके 30 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। तत्पश्चात मरीज 7 दिन बाद ड्रेसिंग कराने आया, तब तबियत ठीक नहीं दिखी तो उसे आगे इलाज कराने की सलाह दी गई। तब मरीज को उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज में परिजन लेकर गए, वहां उनका इलाज 1 माह तक चला एवं वहां के डॉक्टर से बात करने से पता चला कि मरीज अच्छी रिकवरी कर चुका था एवं आज प्रातः छुट्टी होती थी, परंतु मरीज ने जैसे पानी पिया मरीज को में तकलीफ होकर कॉलेप्स हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण जानकारी मरीज के साथ आए परिजनों को बता दी गई थी। डॉक्टर काबरा ने कहा कि सारे ही मामले में न तो कृष्णा हॉस्पिटल की कोई गलती थी एवं न ही उदयपुर हॉस्पिटल की गलती थी। संपूर्ण जानकारी की सत्यता से परिजन संतुष्ट होकर मृत मरीज का शरीर लेकर रवाना हो गए। साथियों, मैं डॉक्टर कैलाश काबरा कृष्णा हॉस्पिटल से। एक घटना कल हुई जिसमें देवीलाल रेगर जिनका ऑपरेशन 25 अगस्त को कृष्णा हॉस्पिटल में हुआ था अक्यूट एब्डोमेन के लिए, जिनका कि डायग्नोसिस अपेंडिक्स दिया हुआ था, उसको जब हमने ऑपरेट किया, उसको ऑपरेशन थिएटर में खोला तो वहाँ पे मेकस डायवर्टिकुलम जो कि इम्पेंडिंग गैंग्रीन जैसा था, काफ़ी थिक वॉल्ड और इन्फ्लेम्ड था, रेड हॉट,
तो उसको निकालने से पहले हमने देखा कि उसकी आंतें पूरी तरह से चिपकी हुई थी और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रही थी, यानी कि कोई और रोग भी साथ में था, ऐसी संभावनाएं बनी थी। हम चाहते थे कि उसको वहीं बंद कर दें, लेकिन उसका जो मेटस डाइवर्टिकुलम जिसको सेकेंड अपेंडिक्स कहते हैं वो इतना ख़राब था कि वो फट जाता और उसमें लेटरिन लीक कर जाती। हमने उनके भाई जो उनके साथ रिश्तेदार एक थे वो दुर्गालाल, उनको अंदर बुलाया, 5 मिनट तक उनको सारी चीज़ें समझाई। हम लोग 6-7 लोग अंदर थे और वहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई और उस बंदे ने हमको कहा कि आप तो ऑपरेशन करिए, अगर ये ख़राब होना ही है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा बंद करने से। तो हमने उसको ऑपरेट किया आगे समझाने के बाद। फिर यहाँ पे 4 दिन अच्छी तरह पेशेंट ने निकाले, 31 तारीख को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर जाने के बाद 2 दिन में उसने क्या खाना खाया, कैसा खाया, ये कुछ पता नहीं चला, लेकिन पेट दर्द हुआ तो हमने यहाँ बुलाया उसको। यहाँ बुलाने के बाद हमने जब ड्रेसिंग चेक करी तो ड्रेसिंग में से कुछ लेटरिन आने का अंदेशा हमको लगा, तो हमने उसको चेक करके सफाई करके ड्रेसिंग को वापस बंद की, कोई ऑपरेशन वापस नहीं किया गया। और उस समय ये संभावना लगी कि इसको हेड सेंटर पर भेजा जाए, क्योंकि इसमें लंबा समय लगना था, 3 से 4 महीने लग जाते हैं ऐसे टाइम, ऐसे जो लेटरिन के घाव होते हैं, फिस्टुला बोलते हैं हम इनको, इनको हीलअप होने में 3-4 महीने लगते हैं। तो मेडिकल कॉलेज भेजा गया क्योंकि पेशेंट के लिए इतना वो अफोर्डिंग नहीं लग रहा था और चिरंजीव में इसका कोई पैकेज नहीं होता। जब कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो चिरंजीव में इस तरह के कोई पैकेज नहीं होते हैं और पेशेंट को खुद खर्चा वहन करना पड़ता है। तो ये खर्चा 1.5 से 2 लाख जा सकता था अगर यहाँ रहता महीने 2 महीने तो उनको मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट दिया गया। फिर वहाँ से जब ये अचानक कल यहाँ पे आए तब हमें पता चला कि इस पेशेंट का रिश्तेदार कौन सा है। फाइल निकाली उसकी, देखा हमने, समझा उस बात को, तो उन्होंने कहा कि आपने गलत नस काट दी और लेटरिन फैल गया पेट में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तुरंत उनके जो चिकित्सक थे उदयपुर में उनसे हमने फ़ोन मिलाया, उनके नंबर निकाले, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है 12 मिनट की। डॉक्टर ने बताया, जो यूनिट हेड है उसने कहा हमने कभी ऐसा नहीं कहा और ना ही कोई ऑपरेशन किया, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी नस काटी है। ये संभावनाएं तो अपेंडिक्स के किसी भी ऑपरेशन में लेटरिन जाने की रहती है, जहाँ जिनकी आँख खराब होती है। ये उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब हमने इनको न्यूट्रिशनल थेरेपी दिया, इनकी केयर करी, हाई फिस्टुला को लो फिस्टुला में बदला, इस तरह से जो ट्रीटमेंट होता है वो किया, और ना ही कोई ऐसा स्टेटमेंट इनको दिया हमने। पोस्टमार्टम के लिए लोग तैयार नहीं थे। ये सुबह उठे जिस दिन हमको डिस्चार्ज करना था, रात के 3:30-4 बजे अचानक इनको श्वास में तकलीफ हुई और ये कोलैप्स हो गए। फिर जानकारी मिली कि इन्होंने थोड़ी देर पहले पानी पिया था, तो वो संभावना उन्होंने दी कि ये पानी लंग्स में चला गया या इनको अचानक हार्ट अटैक हुआ है, उससे ये कोलैप्स हो गए। और इस तरह से 1 महीने बाद आके यहाँ पे हंगामा करना, कांच तोड़ना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मरीजों को, जो मरीज दिखाने आए थे उनको रुक जाना और उनको बाध्य करना, स्टाफ के साथ मिसबिहेव करना, इस तरह के कुछ असामाजिक तत्व जो कि नारेबाजी करते हुए अस्पताल में आ गए बिना कोई घटना को ठीक से बताए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कम से कम आके बात तो करते कि क्या प्रॉब्लम थी उनको, सीधा आप तोड़फोड़ करने लग जाओ, ऐसे ग्रुप को लेके आ जाओ, मास यहाँ पे कैजुअल्टी कर दो, ये ठीक नहीं है। हम डॉक्टर जब कभी ऑपरेशन करते हैं तब हम अपने विवेक से उसमें सारी चीज़ें देखने के बाद, कभी कभी बहुत असाधारण चीज़ें मिलती है तो हम लोग ऐसे टाइम पे बाहर के कुछ और भी जो डॉक्टर होते हैं उस स्पेशलिटी के उनसे बात भी करते हैं, उनको वीडियो दिखाते हैं, फिर कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन इस तरह से हम लोग कोई आपाधापी में डिसीजन नहीं लेते हैं या कोई नस काट के किसी को नहीं भेज देंगे, नस काटने के बाद 1 महीना निकाल देगा क्या रोगी, ये समझने की बात है। समाज को समझना चाहिए, हमारी सरकार को समझना चाहिए, हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों की ठीक से जांच पड़ताल की जाए और कोई भी गलत निर्णय है तो कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, इसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन हमारी जब तक पुलिस सहायता नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सहायता नहीं करेगा, तो हम डॉक्टर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और रोगियों के लिए ये बहुत ही घातक बात होगी। आज नहीं तो 10 साल बाद 15 साल बाद क्या सीन होने वाला है मैं नहीं समझता। मैं IIMA प्रेसिडेंट भी हूँ और कल सभी स्टेट से, सब लेवल से हमारे पास प्रेसिडेंट के, पास प्रेसिडेंट के सबके फ़ोन आए कि हम आपके साथ हैं, कभी भी कोई इस तरह की तकलीफ हो आप प्रेशर में नहीं रहिए और जो चीज़ है उसको खुल के बताइए ताकि हम पूरे राजस्थान के सामान को ले जा सकते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं होती है जो गलत तरीके से होती है, हमने कोई नेग्लिजेंसी कर दी, कोई चीज़ छोड़ दी, पेशेंट को टेबल पे मार दिया, तो समझ में आती है कि कोई चीज़ होती है। लेकिन हादसा कहीं भी होता है पर हर चीज़ का मेडिकल और तकनीकी तौर पर जाँच पड़ताल हो के फिर कोई निर्णय होना चाहिए, ना कि इस तरह से कांच तोड़ते हुए, आप स्टाफ को टेरराइज करते हुए, आप डॉक्टरों को आतंकित करते हुए आप इस तरह का हमला करेंगे तो हम लोग कभी भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये जो पेशेंट है अपने तसवारिया के हैं, देवीलाल रेगर इनका नाम है और इनके साथ कुछ जो नेता थे आगे या जो समाज के लीडर होंगे, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो कम से कम वार्ता तो करते हमसे, पूछते तो सही कि हुआ क्या। बाद में जब उनको समझाया सारी चीज़, हमने रिकॉर्डिंग करी डॉक्टर की, तो उनको सारी चीज़ समझ में भी आ गई और दुर्गालाल को भी बिठा के बात की कि भाई आपको बुलाया, जितना आपको समझ में आया वो तो बताओ इनको कि साहब बुलाया हमको अंदर,
बताया सारा, सब चुप हो गए थे वो लोग, और सारी चीजें समझने के बाद उन्होंने बोला कि अब कई कारणों पर चलो, फिर डेड बॉडी को ले गए। ये हुआ सर। संपूर्ण कुम्हार प्रजापति समाज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सैकड़ों की तादाद में हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या 8 को विड्रॉ करके कुम्हार समाज की मूल पहचान को कायम रखने की मांग की। ज्ञापन में उक्त आदेश के कारण संपूर्ण प्रजापति समाज में रोष व्याप्त है। फिर भी यदि कुम्हार समाज का नाम पुरातन काल से सनातन परंपरा के समय से नामजद है, उसमें छेड़छाड़ की जाएगी तो संपूर्ण राजस्थान का कुम्हार समाज आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने ज्ञापन देकर राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लेने और समाज की जाति कुम्हार, कुंभकार, प्रजापति ही रखी जाने की मांग की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के दो हॉल, सभी सुविधाएं, अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वरवधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस श्याम विहार के सामने, हरनी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुहाशकर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। न्यू अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के वसुंधरा ग्रुप की ओर से एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। दुर्गाष्टमी की पावन उपलक्ष्य में डांडिया थीम पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सोशल मैसेज भी दिया गया और कन्या भ्रूण हत्या पर एक नाटिका की बहुत ही रोचक प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीमा त्रिवेदी व शिल्पी माथुर थी। वसुंधरा ग्रुप के अध्यक्ष अलका ठाकुर व सह अध्यक्ष अमृता उपाध्याय दोनों ने मिलकर कार्यक्रम का बहुत सुंदर संयोजन किया। न्यू अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में मैत्री ग्रुप, बनी ठनी ग्रुप,
तुलसी ग्रुप आदि के सदस्यों ने भी पार्टिसिपेट किया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में रोचक हाउसी गेम खेला गया और डांडिया का कंपटीशन रखा गया। बेस्ट ड्रेस अब बेस्ट डांडिया और बेस्ट डांडिया डेकोरेशन को प्राइज दिए गए। इन सभी कैटेगरी में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज दिए गए। सभी ने बहुत ही उत्साह से इस प्रोग्राम में भाग लिया। न्यू अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा संगीता ने भी प्रोग्राम की बहुत सराहना की। सचिव प्रेमलता जागेटिया, उपाध्यक्ष रीना जैन और सभी कार्यकारिणी मेंबर उपस्थित रहे। इस प्रोग्राम में वसुंधरा ग्रुप की आशा मुंदड़ा, अमित बाबिल, अलका कावड़िया, अनीता जोशी, नीता शर्मा, रेखा गुज्जर, वंदना व्यास, शिल्पी माथुर, संगीता बियानी आदि सदस्य उपस्थित थे। मंगलवार को मदारे पर विराजमान यक्षिणी माता मंदिर पर 58वां सतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहूर्ति हुई। यक्षिणी सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश बैरवा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तगण दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन पर मंगल कामना करते हैं। प्रधान आचार्य निरंजन तिवारी ने बताया कि सतचंडी महायज्ञ आज दुर्गा नवमी को पूर्ण हुआ। इस अवसर पर महाआरती व महाप्रसाद का वितरण किया गया और रात्रि को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संजय तिवारी, पूर्व सरपंच उमा शंकर बैरवा, नारायण बिरला, चेला सर आशुतोष जोशी, प्रेम सेन, राजमल पांडे आदि उपस्थित थे। रपट के बालाजी महिला मंडल की बहनों द्वारा धान मंडी एवं गुड़ मंडी में शिव दल गरबा समिति में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शस्त्र पूजन एवं शक्ति प्रदर्शन किया गया। रपट के बालाजी महिला मंडल उपाध्यक्ष शिवानी भरवा ने बताया कि कार्यक्रम में भावना सविता, पायल, निशा गरिमा एवं शिव दल गरबा समिति के अध्यक्ष कैलाश शाकला, दुर्गालाल, कमल कुमार, राजकुमार, टोनू, हिमांशु ने कार्यक्रम में भाग लिया। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।